हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं पीएमिना आज आपके सामने IIT बीटर एडवांस के रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट लेके आऊँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा आपके रियल कट ऑफ एंड आपने जो एग्ज़ाम दी थी 19 मार्च 2021 को, जब आपके आंसर की आई थी, आपने अपने अंक सभी ने मिलाए थे, कितने अंक आपके आए हैं रिटर्न टेस्ट में। रिटर्न टेस्ट में आपके अंक आने के बाद में आपने हमें कमेंट में बताया था कि मैं ईस्ट कार्ड से हूँ, मुझे स्टेट में इतने अंक प्राप्त हुए हैं। 2000 कैंडिडेट का एनालाइज करके मैंने आपके लिए कट ऑफ बनाई है, जो कि हर ट्रेड वाइज होगी, हर कास्ट वाइज होगी, हर जेंडर वाइज होगी। दोस्तों देखते रहिए ये वीडियो लास्ट तक, इस वीडियो माध्यम से आपको लेटेस्ट न्यूज ही मिलेगी। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं गार्डनर की। आपके सामने स्क्रीन पे गार्डनर की जो कट ऑफ है वो शो हो गई है। आप देख सकते हो अपने कैटेगरी वाइज, अपनी जेंडर वाइज, अपनी कास्ट वाइज। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं UR की, OBC की, SST। तो UR की 38+, OBC की 34+, SC की 30+, ST की 25+ अगर अंक है तो वो अच्छा सिलेक्शन लेगा। जिसके ट्रेड में अच्छे नंबर है तो वो भी, जिसके रिटर्न में कम नंबर है, ट्रेड में अच्छे नंबर है, वो भी सिलेक्शन ले लेगा। दोस्तों जो हम बात करते हैं फीमेल की, आप फीमेल की भी देख सकते हो। दोस्तों अगर गार्डनर में आप देख सकते हो, गार्डनर में कंपटीशन कम था तो इस प्रकार कट ऑफ भी कम जाएगी। तो दोस्तों अब की बार IIT BB ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो योगदान दिया है वो एग्ज़ाम पर दिया है। एग्ज़ाम का उसने वेजिट निकाला है 60%, ट्रेड का निकालता 40%। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब की बार एग्ज़ाम है। नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं, नेक्स्ट ट्रेड है टेलर। टेलर की जो टेलर ट्रेड में उसमें वैकेंसी तो अच्छी थी, बच्चे कम थे, तो इस प्रकार इसकी भी कट ऑफ कम जाएगी। ये रियल कट ऑफ मान लो टेलर की। UR से जिस बच्चे के 40+ नंबर है वो सिलेक्शन ले लेगा, चाहे उसके ट्रेड में कितने नंबर हो। OBC में 38, SC में 35, ST में 30। SC ST में टेलर में फीमेल की कोई पोस्ट नहीं थी, एंड जो महिलाएं टेलर में अगर 30+ भी अंक लेती है ना, चाहे OBC से हो या UR से हो, उसका सिलेक्शन हो सकता है। वो अपनी मेडिकल की तैयारी कर लीजिए। दोस्तों ये कट ऑफ है ना, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये मेडिकल कट ऑफ है। आप सभी को पता है एक पोस्ट पर शायद मेरे हिसाब से 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम, जो आपके ट्रेड टेस्ट ना उनके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपकी कोबलर ट्रेड। जो कोबलर ट्रेड है इसमें भी इतनी फॉर्म फिलिप नहीं हुए थे, इतना कंपटीशन नहीं था, इस प्रकार इसकी कट ऑफ कमी रही है। UR की 40, OBC की 35, SC की 30, ST की अगर 25 है, फीमेल की इसमें कोई वैकेंसी नहीं थी। ST में आप देख सकते हो UR की 25, OBC की 22, 25 है, SC की 23 है फीमेल महिलाओं की। तो दोस्तों ये कट ऑफ थी कोबलर की। अब नेक्स्ट ट्रेड है वो आपकी है वाटर केयर। वाटर केयर में सबसे ज़्यादा कंपटीशन था, तो इसकी कट ऑफ भी सबसे हाई जाएगी। आप इस प्रकार देख सकते हो UR की 40 से 45 के बीच में किसी भाई के अंक है वो सिलेक्शन ले लेगा। OBC की 37 से 40 के बीच में है वो सिलेक्शन ले लेगा। SC की बात करते हैं 32 से 36 किसी भाई के अंक है वो प्राप्त कर लेगी अपनी वैकेंसी को। नेक्स्ट है ST 32 से 34 फीमेल। आप देख सकते हो अपनी अपनी कैटेगरी वाइज फीमेल का, तो जो पास कर लेगी ना एग्ज़ाम को उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फीमेल को आपके पता है फीमेल इतनी कंपटीशन में नहीं थी, मात्र एक जो पोस्ट मानते हैं, मान लो कि वाटर केयर में 10-15 महिलाएं थी एग्ज़ाम देने के लिए, एक सेंटर पर एक या दो गर्ल्स थी, वो भी अलग अलग जेंडर से। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो अपनी अपनी कैटेगरी वाइज। अगर ये कट ऑफ आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप इस कट ऑफ में हो तो आप अपनी मेडिकल की तैयारी करना। अगर आप चाहते हो, अगर आप मेडिकल का वीडियो चाहते हो हमसे, तो कमेंट में बताना कि मेडिकल में क्या क्या होगा, शुरू से लेके एंड तक मेडिकल में क्या होगा, क्योंकि हमें नॉलेज है मेडिकल का, हमारा मेडिकल क्या हुआ है, तो हम आपको बताएंगे कि मेडिकल में क्या क्या होता है, हम आपको क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है। हमें ये भी पता है कि मेडिकल में कहाँ पर आपको रेफर दिया जाएगा, कहाँ पर आपको बाहर किया जाएगा। एंड आपको एक बात याद रखना, जो भाई तंबाकू का यूज़ करता है ना, वो अगर इस कट ऑफ में है तो वो तंबाकू अभी छोड़ दे, नहीं तो इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं होगा, आपकी जो सारी तैयारी है वो बाहर हो जाएगी। जो भाई तंबाकू खाता है, तंबाकू का सेवन करता है, वो अभी तंबाकू छोड़ दे 2 महीने के लिए तो सुख रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सफाई कर्मचारी की। सफाई कर्मचारी आप देख सकते हो इस प्रकार है। दोस्तों अगर आपको मेडिकल का वीडियो चाहिए ना, तो हम बेसिक से बेसिक डिटेल से हम बताएंगे मेडिकल में क्या क्या होता है, आप किस पे ज़्यादा फोकस दो। आप कैटेगरी वाइज अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हो, सफाई कर्मचारी वाले का भी कंपटीशन कम था।
अब है कुक की बारी। आप कुक में भी देख सकते हो फीमेल एंड मेल यू आर ओबीसी एसएसटी की कट ऑफ आपके सामने है, स्क्रीन पे शो रही है। अगर आप इस कट ऑफ में है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो, मेडिकल में आप जा सकते हो। पायल मेल लिस्ट की कट ऑफ नहीं है, मेडिकल की है ओनली। इसी अगर एक दो नंबर कम भी है तो भी मेडिकल के लिए उसको बुला सकते हैं अगर उसके ट्रेड में अच्छे नंबर है तो। नेक्स्ट है कोबलर वाशरमैन, इसमें सबसे कम कंपटीशन था तो इसकी कट ऑफ भी सबसे कम जाएगी। एस सी एस टी महिला बस पास हो, जो मैं फीमेल इसमें चाहे कोई सी कैटेगरी की हो अगर वो पास कर देगी एग्ज़ाम तो उनको सिलेक्शन में जा सकती है वो महिलाएँ, क्योंकि आई टी रिटायरमेंट से महिलाएँ 10% नहीं थी, कम से कम 5% नहीं थी, 5% या 6% के आसपास थी महिलाएँ। तो दोस्तों ये आपके सामने हर ट्रेड की कट ऑफ आ गई है। आपने सबने अपने कट ऑफ देख लिए, अपने अंक मिला लिए हैं कि आप अगर इस जेंडर पर अगर आप इस कास्ट के अपनी कास्ट अनुसार अपने देख सकते हो अपनी जो कट ऑफ है। अगर आप इस कट ऑफ के अंदर हो तो आप मेडिकल की तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेडिकल संबंधित कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड मेडिकल का वीडियो चाहिए कि मेडिकल कैसे होता है सर उसे एंड तक, तो हम बता देंगे आपको वीडियो बनाकर। थैंक यू दोस्तों, वेलकम एंड माय यूट्यूब चैनल।